नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन पंडित और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागरिक संशोधन विधेयक 2016 के विरोध में देखा जाए तो पूरे असम में माहौल गर्म हो गया है। असम की राजधानी गुवाहाटी में पार्टी संगठन और कई राजनीतिक पार्टी द्वारा धिक्कार दिवस के रूप में एक विरोध कार्यक्रम चलाया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम बारक्का घाटी सिलचर के दौरे पर आए थे और एक सभा में उन्होंने कहा कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी सरकार इस बिल को संसद में पास करेगी। दिल्ली के संसद भवन के सामने कृषक मुक्ति संग्राम समिति द्वारा नग्न होकर विरोध किया गया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अखिल गोगोई। हम आपको बता दें कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोग नग्न अवस्था में अपने कपड़े उतार के और इस पूरे बिल का विरोध कर रहे हैं, वो नागरिक संशोधन विधेयक है 2016 जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और ये पूरा का पूरा मामला जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट के बाहर ये पूरा सारा संगठन मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ में संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रमोद। प्रमोद, क्या है ये पूरा मामला? शायद हमारा संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें कि संशोधन विधेयक 2016 जी। हाँ प्रमोद, बताइए क्या है पूरा ये मामला? हाँ अर्जुन, अगर देखा जाए तो पूरे बिल को लेकर असम में आज कई दिनों से विभिन्न दल संगठन इसका प्रतिवाद करते आ रहे हैं जी। और ये प्रतिवाद कई दिनों से जारी है पूरे असम में जी। आज इस विधेयक बिल को एक प्रतिवाद को लेकर आज असम की राजधानी गुवाहाटी में भी विभिन्न दल संगठन और विरोधी राजनीतिक दलों द्वारा एक धिक्कार दिवस के रूप में पालन किया गया जी। नहीं प्रमोद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नागरिक संशोधन विधेयक जो 2016 है उससे क्या एक्चुअल में क्या परेशानी क्या हो रही है, क्या प्रॉब्लम है इस बिल से? इस सभी लोगों का यही कहना है कि अगर ये बिल असम में पारित की जाती है तो असमिया जाति का अस्तित्व संकट में आ जाएगा, क्योंकि असम में अभी भी बहुत सारे बेरोजगारों की समस्या है। अगर बाहर से विदेश से अगर बांग्लादेशी नागरिक को अगर असम में लाया जाए तो ये समस्या काफी भारी पड़ेगा असम के लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। इसीलिए इसको लेकर विभिन्न दल संगठन बहुत पहले से ही विरोध करती आ रही है। और देखा जाए तो कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी यहाँ के बराक घाटी सिलचर में एक विजय का संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही भाजपा सरकार इस बिल को संसद में पास करा के लाने वाली है। इसको लेकर पूरे असम में माहौल गर्म हो चुका है और विभिन्न दल संगठन इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के स्टूडेंट यूनियन आसू द्वारा कल 12 घंटे का असम बंद का आह्वान भी किया गया है। इसमें विभिन्न दल संगठन इसका पूरा समर्थन किए हैं। प्रमोद, क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रतिनिधित्व से, चाहे वो विधायक हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, किसी से क्या कोई आश्वासन नहीं मिला या कोई मंत्री आके कुछ कहा हो? देखा जाए तो यहाँ असम देखा जाए तो भाजपा की सरकार है। भाजपा की सरकार पूरे इस बिल को लेकर पूरी समर्थन करते हुए नजर आ रही है। विभिन्न दल संगठनों द्वारा स्मारक पत्र के जरिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बार आवेदन किया गया है कि इस बिल को जल्द से जल्द खारिज किया जाए, पर सरकार का एक तरफा रुख देखकर यहाँ के विभिन्न दल संगठन बहुत ही नाराज हैं। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे नागरिक संशोधन विधेयक 2016 के आने से साफ तौर पे जनता का कहना है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे ये सवाल उठता है कि अगर ये इतना संवेदनशील विधेयक है तो इसके ऊपर में फिर सरकार नजर क्यों नहीं बना के रख रही है, इसके कोई हल क्यों नहीं निकाल रही है? बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन लाइव। नमस्कार।